गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कारखाना अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित। तो उससे संबंधित हमने लगभग 5 पॉइंट कर लिए थे। छठा पॉइंट है मानवीय शक्ति को उचित सम्मान दिलाना, ठीक है। सातवां पॉइंट है, इसमें एक बार मैं आपको सारे पॉइंट लिख देता हूं, खतरनाक। देखिए अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके थोड़ा थोड़ा विवरण लिखना होगा उस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको इसके नाम नाम ही लिखने हैं, खतरनाक प्रक्रियाओं से रक्षा करना, ठीक है। आठवां पॉइंट है इसी में हमारा, क्या विश्राम एवं आराम की सुविधा एवं कार्य के घंटों से संबंधित, ठीक है। नौवां पॉइंट है इसमें हमारा, क्या श्रमिकों की कार्य क्षमता में सुधार करना, ठीक है। दसवां पॉइंट है इसमें हमारा, दसवां पॉइंट है श्रमिकों को कल्याण श्रम से संबंधित कार्य करवाने पर बल, करवाने पर बल। ग्यारहवां पॉइंट है इसमें दुर्घटनाओं से बचाव करवाना। बारहवां पॉइंट है इसी में ही हमारा, कारखानों में, देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि इन नियमों में लोग के जितने भी नियम है, जितनी भी बातें हैं, उसमें मैं भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो मैं अपने तरीके से इसमें या कोई बात जोड़ू इसका अर्थ उसमें अपने अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन इनके पॉइंट्स, इनके नाम में जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो कारखानों में कानून का शासन लागू करना, ठीक है। नेक्स्ट है तेरहवां पॉइंट, न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को उपलब्ध करवाना, ये हमारे कारखाना अधिनियम के उद्देश्य रहे हैं, उद्देश्य है, और उन इसी उद्देश्यों के कारण उसे बनाया गया है और इनके अकॉर्डिंग ही वो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद श्रमिकों को उचित एवं न्याय संगत सामाजिक एवं न्याय संगत सामाजिक एवं आर्थिक स्तर दिलवाना, यहां लिख दिया मैंने ये, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये भी है कि आपके बुक्स में भी ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये उद्देश्य है, लगभग 14 उद्देश्य है, 5 हमने कल किए थे। छठा मैं बता रहा हूं, मानवीय शक्ति को उचित सम्मान दिलाना, यानी कि जो क्योंकि देखिए जो भी कार्य होता है मानव के बगैर अधूरा है, ठीक है। आजकल मशीनें आ चुकी है, लेकिन उन मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है ना। तो मानवीय शक्ति को, यानी कि मानव के जितना भी समूह है, जितने भी उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, जितना भी बना हुआ है, या जो भी व्यक्ति जहां काम कर रहा है, उन्हें उस कार्य पर उन्हें उचित सम्मान दिलवाने का ये इसका मेन उद्देश्य रहा है। उसके बाद खतरनाक प्रक्रियाओं से रक्षा करना। देखिए कुछ खतरनाक मशीनें भी है वहां पर, होती है ना पंखे वाली मशीनें होती है, तो वहां पर कार्य करते कुछ बेल्टे वाली मशीनें, कुछ मशीनें जिन पर बड़े बड़े पटे लगे हुए होते हैं ना, तो उन पर क्या पूरा उनको कवर करना, उनसे रक्षा करवाने का काम कम उद्योग का ही है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, वो खुली ओपन में पड़ी है, काम चल रहा है, चलने दो, और काम करते करते कई बार ध्यान नहीं रहता और हाथ भी आ जाता था, तो मजदूर का हाथ कट जाता था, श्रमिक का हाथ कट जाता था ना। तो उन चीजों से सेफ्टी करवाने के लिए भी खतरनाक मशीनों पर खतरनाक प्रक्रिया जितनी भी है, यहाँ तक कि जैसे वेल्डिंग का कार्य करते तो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी का की चमक हमारी आंखों में जाती है, जो श्रमिक कार्य करता है तो उसकी आंखों में जाती है, तो उसकी आंखों की रोशनी पर भी तो प्रभाव पड़ता है ना। और खतरनाक मशीनों से कई ऐसे जैसे ऐसे उद्योग भी हैं जहां पर से धुआं निकलता है ना, और धुआं वो सांस के जरिए हमारे शरीर में भी अंदर प्रवेश करता है। तो उन मशीनों से, उन चीजों से वो धुआं निकलने के लिए बड़ी चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए। खतरनाक प्रक्रियाएं जितनी भी मशीनें हैं उनकी पूरी फेस मशीन कवर होनी चाहिए। विश्राम है, आराम की सुविधा है, कार्य के घंटों से संबंधित, तो उन्हें देखिए लगातार आप कितनी देर कार्य कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इससे अधिकतम लगातार कार्य नहीं किया जा सकता ना। तो कम से कम 4 या 5 घंटे कार्य करने के बाद उन्हें 2 घंटे का या 1.5 घंटे का आराम की सुविधा भी चाहिए, आराम विश्राम करना, ताकि वो रिलैक्सेशन हो सके और उसके बाद उसी गति से वो दोबारा कार्य कर सके। लगातार वो कार्य करते रहेंगे तो वो उतना कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप लगातार सुबह 8 बजे से लेके रात्रि के शाम के 6 बजे तक कार्य कर रहे हैं, कितने घंटे हो गए, कम से कम 10 घंटे हो गए, तो जो स्पीड आपकी सुबह आती ही होगी उसके बाद शाम को धीरे धीरे वो डाउन होती जाएगी ना। और एक आपने 8 से 12 बजे तक कार्य किया, आपकी स्पीड सेम रही, ठीक है, बीच में 1.5 घंटे या 2 घंटे का आपने आराम कर लिया, तो फिर आपकी स्पीड वापस वही रहेगी। ये कंटिन्यू आप काम करते हैं तो पूरे दिन में आप 10 यूनिट बना पा रहे हैं, और थोड़ा रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो पूरे दिन में आप 12 यूनिट बना रहे हैं। काम तो उतना ही कर रहे हैं ना, बल्कि 2 घंटे का बीच में आराम भी तो कर रहे हैं, ठीक है ना, आराम भी मिल रहा है आपको और हमारा उत्पादन भी अधिकतम हो रहा है। तो श्रमिकों को भी सुविधा और उत्पादन, यानी कि जो मालिक है उसको भी क्या बेनिफिट हो रहा है ना, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, और श्रमिक को बेनिफिट आराम का मिल गया और वर्क भी उसने उतना ही किया जबकि ज्यादा किया, और लगातार कार्य करेगा तो वो वर्क कम कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये सुविधा उसे दी गई एवं कार्य के घंटों से संबंधित। पहले उनसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 12 घंटे का नहीं पता, 10 घंटे का नहीं पता, 14 घंटे का नहीं पता, मन मर्जी से काम करवाते थे कारखाना मालिक जो भी संस्था प्रधान थी। अब उनके कार्य घंटे से संबंधित एक नियम बना दिया कि वो 1 सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा, और 48 घंटे से अधिक कार्य करता है तो उसका ओवरटाइम माना जाएगा, और ओवरटाइम का उसे जस्ट डबल रुपया भी दिया जाएगा। लेकिन यानी कि और एक दिन में अधिकतम वो 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता, एक दिन में अधिकतम, रूल तो है 8 घंटे का, लेकिन अधिकतम 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा, और 9 घंटे से अधिक कार्य करता है, ठीक है, तो वो उसका ओवरटाइम माना जाएगा, मतलब अब इसका ये डिटेल आएगी जब हम आगे इसके प्रावधान करेंगे, तब पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि वैसे तो 8 घंटे होते हैं, ठीक है, 8 × 6 = 48 घंटे कार्य करेगा, ठीक है। एक तरफ ये कह रहे कि 9 घंटे, मान लीजिए वो डेली के 9 घंटे कार्य कर रहा है, ठीक है, 5 दिन कार्य किया 45 घंटे हो गए, छठे दिन जो कार्य करेगा तो 3 घंटे उसके बच गए शेष, नॉर्मल तो 48 घंटे वो हो गए। अब छठे दिन उसने कम से कम 9 घंटे कार्य किया तो जो 6 घंटे उसके क्या माने जाएंगे, ओवर टाइम माने जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 घंटे से अधिकतम कार्य नहीं करता है वो, और अगर करता भी है तो उसका ओवर टाइम उसकी उसके अधिक समय मजदूरी
मिलेगी, वो अधिसमय मजदूरी की स्थिति कहलाती है। उसके बाद श्रमिकों की कार्य क्षमता में सुधार करना, कार्य क्षमता में सुधार जो मैंने आपको बताया कि पहले लगातार कार्य करवाते थे, ठीक है, और धीरे धीरे उनमें डाउन भी आने लग जाता था, क्षमता होती है आखिर लगातार कार्य करने की, और अब ये आराम की जो सुविधा दे दी तो उनके ये सुधार कर दिया गया है। उसके बाद श्रमिकों को कल्याण श्रम से संबंधित कार्य करवाने पर बल, यानी कि उनकी सुरक्षा, कल्याण श्रम से सुरक्षा प्लस यहां तक कि एक ग्रुप बना दिए गए, उनके समूह बना दिए गए, सबको कार्य बांट कर दे दिया गया। ये नहीं कि पहले क्या था कि आप पैकिंग करेंगे, ठीक है, और आप ही मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, आप ही उस माल की डिलीवरी करेंगे, ऐसा नहीं। अब सब में डिवाइडेशन कर दिया कि एक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा, प्रॉपर कार्य करेगा, ठीक है। सुबह उसकी आगे उनकी आकर ड्यूटियां लग जाती है। श्रमिकों की फैक्ट्री में ऐसा ही होता है कि आज आप क्या करेंगे, माल मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, आज आप क्या करेंगे, पैकिंग का काम करेंगे, सबकी ड्यूटियां बांट दी, ठीक है ना। तो वो दिन भर वही कार्य करता है, एक काम जो आप दिन भर करेंगे, ठीक है ना, तो उसी में ही आपका ध्यान रहेगा। ये नहीं कि एक घंटा आपने वो कर लिया, एक घंटा वो कर लिया, दो घंटे वो कर लिया, इस तरीके से काम भी प्रॉपर नहीं हो पाता था, इस चीज पर भी उन्होंने बल दिया है। उसके बाद दुर्घटनाओं से बचाव करवाना, और दुर्घटनाओं से बचाव इसी स्थिति में हो सकता है कि जितनी भी मशीनें लगी हुई है सबको कवर करवा दिया, ठीक है। सबको कवर करवाने के कारण क्या किया गया कि खतरनाक मशीनों पर जो कार्य हो रहा है उससे उनका बचाव हुआ, और यहां तक कि मशीनें उनकी समय समय पर क्या होती रही, रखरखाव, उनका उनकी देखभाल होती रही, ताकि क्योंकि देखिए मशीनें का जब वर्क करती है तो किसी का कोई पेज लूज हो गया, तो किसी का कोई पेज लूज हो गया तो उनमें परिवर्तन तो आता ही रहता है, खराब तो होती रहती है, तो जब समय समय पर उनकी देखभाल करना अति आवश्यक है, और जब समय समय पर अगर देखभाल होती रहेगी तो दुर्घटनाओं से बचाव भी हो पाएगा। कारखानों में कानून का शासन लागू करना, मतलब पहले क्या था, अपने हिसाब से मालिक काम करवाते थे, अब कानून के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, और कानून में हमारे ये जो फैक्ट्री एक्ट हमारा बना है उसके अकॉर्डिंग कार्य करवाया जाने लगा। और उसके साथ साथ उन्हें न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को उपलब्ध करवाना, पहले क्या था, न्यूनतम मजदूरी 80 रुपए 70 रुपए, ठीक है, ऐसे थी। अब दिन भर कार्य करके आपको 80 रुपए मिलना, तो आपके महीने के कितने हुए, 2400 रुपए हुए, और महीने में 2400 रुपए से गुजारा तो नहीं हो पाता, ठीक है, कोई टाइम तो हो पाता था, लेकिन आज के समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी, यानी कि आज के टाइम में जो न्यूनतम मजदूरी थोड़े टाइम पहले थी 165 रुपए, ठीक है, और अब 200 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है। इसमें अभी और परिवर्तन हुआ है, वो रिसेंटली में भी क्या हुआ है वो अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी, एक दिन का इतना रुपया, काम वर्क तो उतने घंटे कार्य करना है जो रूल्स के अकॉर्डिंग बता दिया गया है 8 घंटे, ठीक है, अधिकतम 9 घंटे, उसके बाद जो भी कार्य करेंगे वो अधिक समय मजदूरी कहलाएगी। और साथ साथ श्रमिकों को उचित और न्याय संगत समाज में भी सम्मान दिलवाना, और उनका आर्थिक स्तर भी उच्च करवाना, और आर्थिक स्तर अगर उन्हें न्यूनतम पैसा मिलता रहेगा, न्यूनतम मजदूरी मिलती रहेगी, तो निश्चित रूप से उनको उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा। और अगर एक बात और आती है कि जैसा काम वैसा दाम, ठीक है ना, अब जिसका जैसा काम है, और कुछ मशीनें जैसे खासकर ईंट भट्टे की चीजें होती है, देखिए एक तो ईंट भट्टे पे कार्य करना, एक तो क्या ईंटें बनाना, एक उस मशीन भट्टे के अंदर जाकर जब भट्टा जगाना होता है, आग लगानी होती है, तब उस व्यक्ति का अंदर जाना और वहां पर पूरा सेक होता है, तो उस व्यक्ति का काम कितना खतरनाक हो गया, हो सकता है आग भी लग जाए। तो वो व्यक्ति जब अंदर अग्नि लगाने जाएगा तब पूरा कवर होकर जाता है, उसके लिए वो उसको किट उपलब्ध करवा के देनी पड़ती होती है, किसको, कारखाना मालिक को, वो उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ साथ उसका बीमा भी होता है, ठीक है ना। तो अब वैसे व्यक्ति का कार्य है और उसकी लेबर क्या होगी, इससे अधिक होगी, क्योंकि कई बार दिन में एक बार भी लगाने पड़ जाती है, कई बार दिन में दो बार भी, कई बार चार बार भी, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति की मजदूरी अलग है, इसीलिए ये बात कही कि जैसा काम वैसा दाम, यानी कि उनको उचित एवं न्याय संगत और समाज में सम्मान दिलवाना और आर्थिक स्तर दिलवाना इसका मेन उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो आज इसके हमने जो उद्देश्य किए हैं, कल से हम इसके पूरे प्रावधान करेंगे, जिसके मैंने आपको बताए थे लगभग 120 सेक्शंस है, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग से हम कल से उसकी चर्चा करेंगे, और उसमें क्या कुछ आता है उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।